आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लिक टू अर्न से कैसे पैसे कमा सकते हैं। आपको होगा ये कि आप 20 एवरी 20 आवर एंड इन एवरी 24 आवर्स एड्स विल बी अपीयर एंड यू हैव टू वॉच एंड अर्न मनी। द वर्क इज सो सिंपल। आपको करना बेसिकली ये है कि वेबसाइट आपको विजिट करनी है www.newbox.com/r=1000। ठीक है, आपको ये लिंक विजिट करना है। ये लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन मैंने किया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। आपको मैं ए टू जेड आपको मैं मेथड बताऊंगा कैसे अर्न कर सकते हैं। आप अपना यूजर नेम इंसर्ट करना है, आपको पासवर्ड इंसर्ट करना है, ईमेल एड्रेस इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, और आपको अब ईमेल एड्रेस ये इंसर्ट करना है पेजा पेपाल इसमें बेसिकली होता ये है ई करेंसी पेमेंट प्रोसेसर है। आपकी जो भी आपकी अर्निंग होगी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ई करेंसी कहलाती है। ठीक है, आप जो भी ऑनलाइन से पैसे कमाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी कहलाती है। आप वो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आपके पेजा पेपाल या स्क्रिल में ट्रांसफर होगी। आप तीनों में से कोई भी एक अकाउंट बना सकते हैं। आपको सिंपल ये करना है, पेजा पे आपको क्लिक करना है, पेजा का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, पैसा का अकाउंट साइनअप का बटन है यहाँ पे। ठीक है, आपको साइनअप पे क्लिक करना है और आपको पर्सनल सिलेक्ट करना है और आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। सारे डिटेल मेंशन करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, आप ईमेल एड्रेस वो इंसर्ट कर दें, यहाँ पे अपनी बर्थ ईयर इंसर्ट करें, वेरिफिकेशन इंसर्ट करें और यहाँ पे आप टिक मार्क लगाएं और कंटिन्यू कर दें। आपको एक ईमेल इनकी न्यू बॉक्स के जरिए आएगी आपके ईमेल एड्रेस पे। आपको वो सिंपल क्या करना है, आपको अपना इनबॉक्स भी चेक करना है, आपका स्पैम भी चेक करना है। बेसिकली इनकी जो भी मोस्टली इनकी ईमेल जो आती है कन्फर्मेशन ईमेल आती है, अकाउंट कन्फर्मेशन रजिस्टर कन्फर्मेशन ईमेल आती है, वो आती है स्पैम फोल्डर में। ठीक है, तो आपको स्पैम फोल्डर भी चेक करना है, न्यू इनबॉक्स भी चेक करना है और वहां से आपको वेरीफाई करना है। असल आपको मैं ये शो नहीं कर सकता, रजिस्टर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ इस वेबसाइट पर। सिंपल मैं लॉग इन करूंगा, आप रजिस्टर करना है, इसके बाद आपको लॉग इन करना है इस तरह से SMPN से। ठीक है, मैं लॉग इन हो गया। ठीक है, मैं व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है, आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। सबसे पहले आपको देखें आपको द करंट सर्वर टाइम है, करंट सर्वर टाइम हमेशा 00:00 आपको सर्वर टाइम के नेक्स्ट डे इन एवरी नेक्स्ट डे आपको ये व्यू देखना है, एवरी 24 आवर्स आपको व्यू देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑरेंज वाले आपको सबसे पहले ये ऑरेंज कलर के एड्स देखने हैं, इसके बाद ग्रीन कलर के, इसके बाद ये इस कलर के। क्यों? रीज़न ये है कि जब आपके पास डायरेक्ट रेफरल और रेंटेड रेफरल आपके पास आ जाएंगे तो आपको इस तरह से व्यू ऐड करने होंगे। क्योंकि आप अगर इस तरह से व्यू ऐड नहीं करेंगे, पहले ऑरेंज वाले आपको व्यू ऐड करने हैं, फिर ग्रीन वाले, फिर ये इस तरह ये वाले, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। रेंटेड रेफरल और डायरेक्ट रेफरल होता क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं व्यू ऐड करूंगा, इसको क्लिक करा आपने, फिर क्लिक करा Hi, I'm Mike. Do you remember me? Back in 2013, I launched a revolutionary software. आपने कितने कमा लिए? 0.001 कमा लिए एड देखने से।
100% easy cash generating software. I love to boast online is because everything I do is... Okay. ठीक है, जब आप सब व्यू देख चुके हैं, देख लें तो आप इसको सिंपल रिफ्रेश करें, आप देख सकते हैं 4.6 है, ठीक है, 4.6 डॉलर है, हमें रिफ्रेश करना है हमें। ऑलरेडी ये रिफ्रेश हो चुका था, इसलिए बैलेंस अपीयर नहीं हुआ है, ऑलरेडी ये रिफ्रेश हो चुका था पेज, ठीक है, ऑलरेडी पेज रिफ्रेश हो चुका था इसलिए बैलेंस अपीयर नहीं हुआ है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बैलेंस अपीयर, बैलेंस इंक्रीज होता है, बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी रिफ्रेश हो गया, इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। पेमेंट के एंड पेमेंट जब आपके पास $2 हो जाएंगे, अभी मेरे पास है यहाँ पर $1.6, मैं विड्रो नहीं कर सकता क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग में आप $2 विड्रो कर सकते हैं, इसके बाद वो इंक्रीज कर देते हैं, वो फिर आपके पास $4 आप विड्रो कर सकते हैं, फिर $6 कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट $10 विड्रो कर सकते हैं। यानी जब मेरी अमाउंट, जब मेरी अर्निंग $10 तक पहुँच जाएगी तो मैं विड्रो कर सकूँगा, अभी मैं विड्रो नहीं कर सकता, अभी मैं विड्रो नहीं कर सकता है। यहाँ पर आ रहा है यू कैन ओनली रिक्वेस्ट योर पेमेंट व्हेन यू रीच $10, ठीक है। जब आपके पास $10, जब मेरे पास $10 हो जाए, मैं विड्रो कर सकता हूँ, क्योंकि आप तो स्टार्टिंग न्यू ही होंगे, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप तो $2 पर ही विड्रो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड मेंबरशिप है, ठीक है। अब डायरेक्ट रेफरल, इनडायरेक्ट रेफरल क्या होते हैं? डायरेक्ट रेफरल ये होते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो रेफरल लिंक है, रेफरल लिंक ये होता है, यहाँ पर जाएंगे आप, बैनर पर क्लिक करेंगे, आप बैनर पे क्लिक करने के बाद ये होता है आपका रेफरल लिंक www.inboxnewbox.com, ये है आपका बैनर, ठीक है। ये जो हाईलाइट हो रही है आपका बैनर है, आप ये आपका रेफरल लिंक है, ठीक है। ये आप रेफरल लिंक आप अपने दोस्त को साथ शेयर करेंगे, अगर वो इस पर साइन अप हो जाता है तो आपको डायरेक्ट रेफरल मिल जाएगा। ये देखें, ये हो गए हैं डायरेक्ट रेफरल्स, ये मेरा डायरेक्ट रेफरेंस है, 197 है मेरे पास करंटली डायरेक्ट रेफरेंस। अब जो वो व्यू देखेंगे, जब वो व्यू देखेंगे तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब आपको कमीशन किस तरह से मिलेगा, आपको कमीशन लेने के लिए आपको व्यू स्टेप बाय स्टेप देखने होंगे, पहले ऑरेंज वाले, फिर ग्रीन वाले, फिर यहाँ फिक्स एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ेगी। पहले आपको फिक्स एडवर्टाइजमेंट ये देखनी पड़ेगी, फिर माइक्रो स्पोर्ट्स देखना पड़ेगा, फिर आपको फिक्स एडवर्टाइजमेंट यहाँ से देखनी पड़ेगी, एंड में ये देखेंगे आप, तो आपको रेफरल कमीशन मिलेगा। आप रेंटेड रेफरल होते हैं, रेंटेड रेफरल बेसिकली आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे जाऊँगा मैं, रेंट रेफरल हु अर्न मनी फॉर यू, ठीक है। अब देखें यहाँ पर रेफरल आप बाय कर सकते हैं, आप 60 सेंट में आपको 3 रेफरल रेंटेड रेफरल मिलेंगे। रेंटेड रेफरल आप बाय कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रेफरल आप बाय नहीं कर सकते। डायरेक्ट रेफरल आप मार्केटिंग टैक्टिक्स के जरिए आप डायरेक्ट रेफरल अर्न कर सकते हैं, एक तरह से दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दिया। एक से ज्यादा अकाउंट बना नहीं सकते आप, एक से ज्यादा, एक आईपी पे एक अकाउंट डाला हुआ, एक से ज्यादा बनाएंगे तो बैन हो जाएगा वो भी अकाउंट आपका। आप देखें रेंटेड रेफरल अगर आप बाय करते हैं, तीन रेंटेड रेफरल बाय करते हैं, आपको सिंपल ये करना है, इस पर क्लिक करना है, यस का बटन दबाना है, आपके पास बाय हो जाएंगे। यू आर अबाउट टू रेंट 3 रेफरल फॉर 60 सेंट, ठीक है, फॉर 60 सेंट। आपको ये तीन रेफरल लिंक मिलेंगे, रेंटेड रेफरल मिलेंगे, जो आप वो व्यू एड करेंगे तो आपको उस पर कमीशन मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंटेड रेफरल है, यहाँ पे मेरे पास 6 करंटली रेंटेड रेफरल है, ठीक है, 6 करंटली रेंटेड रेफरल्स है मेरे पास, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये देखें, इन्होंने कल व्यू ऐड किया था,
इसने भी कल व्यू ऐड किया था, इसने 2 दिन पहले व्यू ऐड किया था, इसने 6 डेज पहले, इसने 4 डेज पहले, इसने 9 डेज पहले, ठीक है। अब मैं 9 डेज वाले को क्या करूँगा, सिंपल 9 डेज वाला इनएक्टिव हो गया, अब ये व्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो मेरे को इसको रीएक्टिव करना होगा, रीसाइकल करना होगा, इसको मुझे रीसाइकल करना होगा, रीसाइकल करना होगा। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे आई वॉन्ट टू रीसाइकल दैम, ठीक है, इसको आप रीसाइकल कर लेंगे। मैं बैलेंस के जरिए नहीं करूँगा, मैं पॉइंट्स के जरिए करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कैसे होते हैं, आप जैसे व्यू ऐड करते जाएंगे आपको पॉइंट्स नहीं मिलते जाएंगे, तो पॉइंट्स का फायदा ये है कि पॉइंट्स से आप जो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, ये 4 डेज वाला इनएक्टिव नहीं है, 6 डेज वाला भी इनएक्टिव नहीं है, हो सकता है कल एडवर्टाइजमेंट देख ले तो ये फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर ये आपके कमीशन आपको मिल जाएगा। ये इनएक्टिव हो चुका था इसलिए मैंने इसको रिसाइकल कर दिया। पॉइंट्स पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, पॉइंट्स कैसे कमाते हैं, पॉइंट्स कमाने के लिए आप जैसे व्यू एडवर्टाइजमेंट डेली के आप 24 आवर्स जो के बाद जो व्यू आते रहते हैं वो आप देखते रहेंगे, तो आपके पास पॉइंट्स भी आने मिल जाएंगे, आप पॉइंट्स भी अर्न कर लेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ये क्या है कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एनयू बॉक्स के जरिए, ठीक है। जैसे लोग दूसरे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे आप व्यू एड कर रहे हैं, दे रहे हैं, आप व्यू एड देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तभी आपको व्यू एड दे रहे हैं, न्यू बॉक्स वाले और व्यू एड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने इतने 42,415 में व्यू ऐड कर चुका हूँ, देख चुका हूँ मैं व्यू ऐड देख चुका हूँ, मैं ऐड भी कर चुका हूँ। यहाँ से मेरे रेफरल हैं 22,463 लोगों ने, 22,463 लोगों ने रेफरल्स हैं, जो मेरे रेफरल्स हैं उन्होंने ऐड व्यू किया हुआ है, ठीक है। मेरा मेन बैलेंस है, इतना मेरा मेन बैलेंस है, मैं रिसीव कर चुका हूँ यहाँ पर $80। अभी तक डायरेक्ट परचेजेस मैंने किए हैं, यानी डायरेक्ट परचेजेस मैंने रेफरल किए होंगे, डायरेक्ट परचेजेस इतना कमीशन है मिला है, इतना कमीशन पेंडिंग पे है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स इतने हैं, पॉइंट्स में जो आपको बात बता रहा था, यहाँ पे कॉइन है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे मिनी जॉब्स के जरिए मैंने इतनी कमाया है। मिनी जॉब्स में से बेसिकली अभी तो लोग अलाउ वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ से ऑफर में आ जाएंगे, आप ऑफर में जाएंगे, यहाँ से आप पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं, पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। आप देखिए मेरे पास 4 व्यू और आ गए हैं, मैं 4 व्यू मेरे पास और आया तो मैं इसको भी व्यू देख लेता हूँ। व्यू बेसिकली आते जाते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने इंक्रीज इनकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रेंटेड रेफरल और डायरेक्ट रेफरल है जो मैंने आपको बताया, उससे आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। रेंटेड रेफरल और डायरेक्ट रेफरल से अपग्रेड अकाउंट से भी आप अपनी अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। अपग्रेड अकाउंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, 4.6 है, 4.28 हो गया, ठीक है, बैलेंस इंक्रीज हो गया। ऑफर में जाके आप पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, आप इस तरह से पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। देखें ये ऑप्शन है अर्न पॉइंट्स करने का, 612 पॉइंट्स आप कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं मोबाइल ऐप पे क्लिक करेंगे, आईफोन आईपैड दोनों पे इंस्टॉल हो जाएगी ऐप, इससे आप ऐप इंस्टॉल करने से आप 612 पॉइंट कमा सकते हैं। कॉइन आप ये कमा सकते हैं 12, यहाँ से इस तरह से आप कॉइन कमा सकते हैं ये कंप्लीट करके। मिनी जॉब्स आई थिंक अवेलेबल नहीं होंगी अभी तो फिलहाल। ओके, नेक्स्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड। मेरी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है करंटली, नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं
एट अपग्रेड अकाउंट पे, ठीक है। आपको देखें, यू हैव बीन एक्टिव एवरी डे, आपको एक्टिव एवरी डे रहना है, एवरी डे आपको देखने हैं, हर दिन एवरी सिंगल डे आपको व्यू ऐड करना है, ठीक है। आप इनकी मैं अभी एक एड अलर्ट इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, इससे भी मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये एड अलर्ट है, ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने ब्राउजर पे। एड एक्सटेंशन ये देखें, अब जो भी एड व्यू आएगा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा वो। ये भी एक ऑप्शन है, आप इससे भी इंक्रीज अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और अब आते हैं अपग्रेड अकाउंट पे। देखें, आपके पास रेफरल इनकम इंक्रीज करने के लिए रेंटेड रेफरल्स हैं, ठीक है, रेंटेड रेफरल्स हैं, डायरेक्ट रेफरल्स है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और आप इससे भी ये ना जो मेन्यू बॉक्स अलर्ट है, इससे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी इनकम। अपग्रेड अकाउंट आपको कैसे करना है, अपग्रेड अकाउंट आपको करना है, एक्टिव आप रहेंगे तो आपकी इंक्रीज होती जाएगी इनकम। अपग्रेड अकाउंट आपका होगा 90 USD में होगा, 90 USD में होगा। जब आप $90 न्यू बॉक्स से कमा लेना तभी आप अपग्रेड करें, अदरवाइज आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप न्यू बॉक्स अगर $90 करने के बाद आपको अगर लगता है कि मुझे अपग्रेड कराना चाहिए तो अपग्रेड करें, अदरवाइज नहीं कराएं आप अपग्रेड। अपग्रेड से आपकी इनकम बहुत इंक्रीज हो जाएगी, गोल्डन मेंबर अगर आप बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, देखिए कमीशन फ्रॉम रेंटेड रेफरल, ये कमीशन है, ये कमीशन रेंटेड रेफरल के, ये कमीशन है फ्रॉम, ये कमीशन है फ्रॉम डायरेक्ट रेफरल्स। अब देखें योर क्लिक कितना है, स्टैंडर्ड का योर क्लिक कितना है, अभी करंटली योर क्लिक कितना है, गोल्डन मेंबर के बाद योर क्लिक कितना हो जाएगा इस। अब देखें कमीशन स्टैंडर्ड में कितना है, इतना है। जब आपके पास डायरेक्ट रेफरल आ जाएंगे तो आपके पास जब आप गोल्डन मेंबर होंगे आपको कमीशन इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा क्योंकि आप गोल्डन मेंबर पे आ गए, आप स्टैंडर्ड मेंबर तो थे, ठीक है। रेंटेड रेफरल में आपको इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, यानी डबल हो जाएगा आपका कमीशन। अपग्रेड अकाउंट से आप इतनी इंक्रीज कर सकते हैं इनकम। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप, अगर आपको लगता है कि $90 का इनकम अर्निंग करने के बाद न्यू बॉक्स से मुझे कराना चाहिए तो आप ऑब्वियसली करा लें, वहां अगर अगर नहीं कराना चाह रहे तो नहीं कराएं। आप 30,000 पॉइंट्स अर्निंग करने के बाद भी 30,000 पॉइंट्स से भी आप अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आप, मैं चेक करूँ मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, आपने जैसा देखा कि 30,000 अगर आपके पास पॉइंट्स है तो आप अपग्रेड करा सकते हैं, आपको $90 पे करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास करेंटली 1,286 पॉइंट्स है, वो 30,000 मंथ की रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि ये लेजिट है नहीं है, ये इनकम देती है या नहीं देती वेबसाइट। अब देखिए मेरे पास पेजा अकाउंट लाइव अकाउंट है, लाइव अकाउंट मेरे पास ओपन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी अर्निंग कर रहा था, कितनी अर्निंग कर रहा हूँ, कितनी अर्निंग कर चुका हूँ इनबॉक्स से। अब ये देखें, ये देखें $5 मैंने रिसीव किए हुए हैं न्यू बॉक्स में, न्यू बॉक्स से। ये देखें यहाँ पे आ रहा है योर पेमेंट टू काउंटर अलर्ट पे newbox.com फ्रॉम द अमाउंट $5। $5 मिल गई है यहाँ पे, $5.19 मिली है यहाँ पे, $10 मिली है मुझे यहाँ पे, मुझे देखें $5 मिली है यहाँ पे। ये तो खैर मेरी ये दूसरी अर्निंग है, किसकी और की अर्निंग है, ये देखें न्यू बॉक्स ये अर्निंग मिली हुई है मुझे, ये न्यू बॉक्स अर्निंग मिली हुई है, ये न्यू बॉक्स अर्निंग मुझे मिली हुई है, ये देखें ये न्यू बॉक्स से मुझे अर्निंग मिली हुई है, ये मैंने न्यू बॉक्स से अर्निंग की है, ये न्यू बॉक्स से मैंने अर्निंग की है $10 जैसा आगे आपने चेक किया कि मैं जैसे $80 कमा चुका हूँ। ये देखें पेमेंट प्रोसेसर आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, फंड रिसीव क्लिक करके भी आपको बता देता हूँ, फुल ट्रांजेक्शन बता देता हूँ जो मैंने लास्ट में अर्निंग की थी, फुल ट्रांजेक्शन बता देता हूँ मैं आपको।
ये चेक कर सकते हैं आप। पेमेंट आई है न्यू बक्स पे, न्यू बक्स पेमेंट 90 अमाउंट आई है, $10.04 आई है, जिसमें से फी डिडक्ट इन्होंने की है $59.59 की। ये ट्रांजेक्शन डिडक्ट करता है पैसा, ये पैसा की फीस होती है, ठीक है। $9.45 है मेरे पास, आप चेक कर सकते हैं न्यू बक्स से ही पेमेंट आई हुई, न्यू बक्स पेमेंट नॉट न्यू बक्स पेमेंट, ठीक है। अब आप विड्रॉ करने के लिए आप सिंपल ये करें, जब आपके पास अर्निंग हो जाए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें विड्रॉ फंड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बैंक ट्रांसफर के जरिए कर सकते हैं। फी यहाँ से आप फी फाइंड आउट कर सकते हैं, फी कितनी है, 2-5 business days ड्यूरेशन। बैंक वायर $15 फी है, 2-4 business days। क्रेडिट कार्ड 2-5 business days, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आप फीस। एक्सचेंजर, एक्सचेंजर के लिए आपके पास देखें फी ड्यूरेशन आपके पास नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल है यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे, इन्होंने इनके पास कोई एक्सचेंजर नहीं है तो ये आपके पास नॉट एप्लीकेबल है। या तो एक्सचेंजर आप खुद फाइंड आउट करें या तो बैंक के जरिए आप ट्रांसफर कर लें, ठीक है। ये सिंपल था मेथड अर्न मनी ऑनलाइन का। आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी अर्न मनी, अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप सही स्टेप को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा जरूर YouTube ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।